नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज है, एक बड़ी खबर है उन छात्रों के लिए जो जीआईसी प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा दिए हुए हैं, उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। और जो वो छात्र हैं जो पिछली बार जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा में नहीं बैठ पाए थे, उनके पास एलिजिबिलिटी नहीं थी या फिर उनका प्रारंभिक परीक्षा में सिलेक्शन ही नहीं हो पाया, उन छात्रों के लिए और उन छात्रों के लिए भी न्यूज है जो एलटी ग्रेड की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, जीआईसी प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जो है जारी होने वाला है और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है हम आपको इसी वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे, बात करेंगे और बताएंगे। दूसरी चीज़, नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती कब तक आ रही है, जीआईसी प्रवक्ता की नई शिक्षक भर्ती कब तक आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस तरह की अपडेट आपको हमारे चैनल पे उसी के माध्यम से मिलेंगी। दोस्तों बहुत से नए छात्र जुड़ चुके हैं इस वीडियो में, तो उनको बता दें कि सीपी स्मार्ट क्लासेस का अपना मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, आप सर्च करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा, वहाँ से इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। TGT 2021 की परीक्षा में सीपी स्मार्ट क्लासेस की जो TGT का जो रिजल्ट गया है, यहाँ पे कई विषयों का बहुत ही अच्छा गया है और कई ऐसे विषय जो आपको कहीं जिसकी क्लास नहीं मिलेगी उसकी क्लास हम सीपी स्मार्ट क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पे पढ़ा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ पे जो भी शिक्षक है वो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता GIC प्रवक्ता और LT ग्रेड TGT में चयनित हैं, उन्हीं के माध्यम से यहाँ पे क्लासेस चलते हैं, जिनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कि सिलेक्शन कैसे लिया जाएगा और किस तरह से कोर्स को कवर किया जाएगा, कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी मैं भी आपको मोटिवेट करता रहता हूँ कि पढ़ाई करने का जो तरीका है वो आपको किस तरह से चेंज करना है, किस प्रकार से आप तैयारी करें जो आपको सफलता मिले, इन सब चीज़ों के लिए आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको मिलने वाली हैं। और अगर आपको कोई पेड कोर्स यहाँ से लेना है तो 8239226960 पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे GIC प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा के रिजल्ट की। तो देखिए, इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है आयोग से उसके अनुसार इसका रिजल्ट विद इन 3 वीक्स, 3 सप्ताह के अंदर ये रिजल्ट जारी हो जाएगा। 3 सप्ताह के अंदर मतलब कि अभी ये समझ लीजिए कि एक हिसाब से मान लीजिए कि 2 सप्ताह ख़त्म हो गया है, तो 7 मई से पहले पहले ये रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसकी बिल्कुल पुख्ता न्यूज मिली हुई है कि ये 7 मई से पहले पहले ये रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब आपको ये बता दें कि GIC प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा में कई विषय ऐसे जहाँ बहुत से कम स्टूडेंट बैठे हुए हैं, जैसे अगर हम इसमें गणित फीमेल की बात करें, गणित की महिला सीटों की बात करें, तो यहाँ पे अभ्यर्थी खोजे नहीं मिल रहे हैं। तो जो आयोग की गाइडलाइंस है कि 40% पासिंग मार्क जो दिया गया है, मुख्य परीक्षा जितने भी नंबर की आपकी थी उतने नंबर का अगर आपने 40% नंबर स्कोर कर लिया है इस परीक्षा में, स्कोर कर लेंगे तो आपका चयन बिल्कुल 100% तय है, कोई रोक नहीं सकता उसको। दूसरी बात, हम आप बात करते हैं LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की। देखिए, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के इसमें जो है पदों की संख्या भी बढ़ चुकी है, अध्याचन दूसरा अध्याचन मिल चुका है, केवल अर्हता का विवाद है जो अगले 3 हफ्ते में सॉल्व होने वाला है। जब तक GIC प्रवक्ता का रिजल्ट आएगा उस बीच में ये सॉल्व कर लिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के साथ साथ GIC प्रवक्ता की भी नई भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी 7 मई के बाद। तो मई के महीने में ही ये दोनों विज्ञापन जारी होंगे, GIC प्रवक्ता के और LT ग्रेड के, क्योंकि मई तक तो ये अभी इसका रिजल्ट आएगा और इस बीच में अर्हता विवाद को सॉल्व किया जाएगा। तो जो छात्र GIC प्रवक्ता बनना चाहते हैं, GIC में प्रवक्ता बनना चाहते हैं, कुछ असिस्टेंट टीचर बनना चाहते हैं, LT ग्रेड से आप असिस्टेंट टीचर बनेंगे, यहाँ से आप प्रवक्ता बनेंगे, तो आप अपनी जो तैयारी है प्रिपरेशन है उसको जारी रखिए, क्योंकि LT ग्रेड में देखिए TGT और LT ग्रेड में बहुत अंतर है।
TGT LT ग्रेड में क्या अंतर है, आप सीपी स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए TGT LT ग्रेड में क्या अंतर है, आपको मिल जाएगा एक वीडियो। वो वीडियो काफ़ी पॉपुलर है जिसमें मैंने दोनों का कंपैरिजन किया है, TGT में क्या है PGT और उसमें TGT में क्या है LT ग्रेड में क्या है, दोनों से आप असिस्टेंट टीचर बनते हैं लेकिन दोनों में अंतर क्या है वो चीज़ मैंने वहाँ पर बहुत डिटेल में बताई है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि LT ग्रेड में बहुत सारी सीटें पिछली बार खाली गई थी। सीटें खाली क्यों जाने देना है, जब वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आती है, कैंडिडेट बहुत सारे परीक्षा देते हैं, तो सीटें क्यों खाली जाने देना है। हम बात करेंगे अगर विज्ञान विषय की, विज्ञान विषय की बात करेंगे, इसमें महिला में जो सीटें आई थी वो करीब 500 के आसपास थी। मैं एग्जैक्ट फिगर आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये है फिगर, यहाँ पे महिलाओं के लिए जो सीटें आई थी, जो साइंस में विज्ञान में जो सीटें आई थी 474 पदों की सीटें आई थी, ठीक है, केवल 4 महिलाओं का सिलेक्शन हुआ, केवल 4, 470 सीटें खाली चली गई जो इस बार की भर्ती में हो सकता है ऐड होके आए। इसी तरह मेल की बात करेंगे तो 571 पदों की साइंस में पोस्ट आई थी, केवल 80 कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए, बाकी सारी की सारी सीटें खाली चली गई। तो विज्ञान क्या भैया इतना टफ है, BSc आपने किया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने पढ़ा हुआ है, तो क्या विज्ञान इतना टफ होता है, कुछ टफ नहीं होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, 11,284 मेल कैंडिडेट इसमें बैठे थे, 11,284 लोगों के लिए 571 सीटें थी, सेलेक्ट कितने हो गए 80 केवल, 4,152 महिलाएं बैठी थी इसमें, सीटें कितनी थी 474, सेलेक्ट कितनी हुई 4, है ना। तो ये चीज़ तो देखिए इसमें तो कमी आपकी हम मानेंगे, सीटें आपके लिए आई, नौकरी आपके लिए सरकार ने निकाली, लेकिन 474 पद निकाला जा रहा, केवल 4 महिलाएं कट ऑफ पार कर रही। कट ऑफ मतलब कि 40% नंबर, जिस परीक्षा में आप बैठते हैं अगर उस परीक्षा में आप 40 नंबर ले आते हैं तो आप UPSC की परीक्षा में पास होते हैं। अब पास होने वाले तो बहुत लोग होते हैं, पदों के हिसाब से मेरिट बनती है, यहाँ तो पास होने वाले लोग ही कम पड़ गए, केवल 4 ही लोग पास हुए, मेरिट की तो बात ही छोड़िए। तो ऐसी स्थिति ना आए, TGT की PGT की जब क्लास हुई थी हमारे यहाँ पर तो हमने विज्ञान विषय की क्लास उस समय नहीं चलाई थी, LT ग्रेड और TGT PGT दोनों की वैकेंसी आ रही हैं तो विज्ञान विषय की हमने क्लास चालू कर दी है। यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स की दोनों की अलग अलग फैकल्टी हैं, तो जिन छात्रों को क्लास ज्वाइन करना है वो क्लास ज्वाइन कर लें। साइंस में करीब इस बार की जो LT ग्रेड की वैकेंसी आ रही है उसमें कहीं ऐसा रिजल्ट ना आए कि 4 लोग और 80 लोग केवल पास हों। BSc आपने किया है, BSc करने वालों लोगों के लिए नौकरी बहुत कम आती है, तो ये जो नौकरी आ रही है इसका फ़ायदा उठाइए। और जो मैथ से BSc की है वो भी साइंस में अप्लाई कर सकते हैं, जो ZBC से BSc की है वो भी साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।